हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो मैं रेमेडी लाई हूँ वो है हम कैसे अपनी आईब्रोज आई लैशेज को थिक कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली घर में। हम सभी को थिक आई लैशेज, थिक आईब्रोज अच्छी लगती है, हल्की जो होती है हमारे फेस पर दिखती नहीं है, हमारे फीचर्स नहीं एनहांस होते हैं उसके वजह से। तो हम उनको अच्छा दिखाने के लिए हम टेम्प्रेरी मस्कारा और फॉल्स आई लैशेज और आई पेंसिल्स ये सब तो यूज़ कर लेते हैं, बट इनका हमारी इन आईज़ के ऊपर, आई लैशेज़ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जिससे कि हमारी आई लैशेज टूटती हैं, हमारी आईब्रोज झड़ती हैं। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और वो ना यूज़ करें और हमारी नेचुरली आई लैशेज लंबी हों, आईब्रोज थिक हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही आज का टॉपिक है, वही मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी, सिंपल, साधारण सी ये रेमेडीज़ हैं, आप बड़े आसानी से इसमें घर में ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रेमेडीज़ और अपना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं और आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लगती हैं लंबी लंबी आई लैशेज, तो वी ऑल अडोर इट एंड वी ऑल वॉन्ट इट। सो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहला जो है हम लेंगे कोई भी नीट एंड क्लीन मस्कारा ब्रश। मस्कारा ब्रश हमारे पास अवेलेबल होता है, उससे हमने सिर्फ अपनी आई लैशेज़ को कोम करना है डेली, दिन में एक से दो बार, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से कि हेयर ग्रोथ बढ़ती है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आप बड़े बड़े आराम से कर सकते हैं। सेकेंड जो है सेम प्रोसेस है, बट उसमें आपने वैसलीन को ऐड कर लेना। वैसलीन हमारे आईब्रोज आई लैशेज को मॉइस्चराइज करती है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ में मुनाफा होता है। और सेम आपको कोम करनी है मस्कारा ब्रश में वैसलीन लगाकर अपने आई लैशेज आईब्रोज को, जिससे कि हेयर ग्रोथ इन्हांस होती है। ये बहुत ही ईजी है दोनों स्टेप। और जो हम थर्ड बताने जा रही हूँ वो है आई लैशेज आई ग्रोथ के लिए सिरम। हम सिरम कैसे बनाएंगे, हमें पहला चाहिए विटामिन ई कैप्सूल्स। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है हमारे आई लैशेज को स्ट्रॉन्गर हेल्दी ग्रो कराने के लिए, ये हेल्प करता है हेयर फॉलिकल्स को अगेंस्ट ब्रेकेज। तो ये पहला हमारा इंग्रेडिएंट है। सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। ये एनकरेज करता है आईब्रो हेयर ग्रोथ के लिए, उनको थिक करने के लिए, उनको वॉल्यूमनाइज करने के लिए और परमानेंट मतलब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, टूटते नहीं है ईजिली, और अगर नहीं टूटेंगे तो ऑफकोर्स बढ़ेंगे और थिक होंगे। जो थर्ड हमारा है वो है एलोवेरा जेल। ये हमारे फॉलिकुलर पोर्स को खोलता है, जिसके वजह से कि हमारे हेयर ग्रोथ बढ़ती है, हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है। जो छोटे होते हैं वो ग्रो होते हैं और इंक्रीज होते हैं। इनको हमने कैसे लगाना है, इनको हमने मिक्स करना है तीनों को, और मिक्स करने के बाद हमें इनको एक कंटेनर में डालकर हमें इनको रिजर्व भी कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखकर। और इनको अपने अप्लाई कैसे करना है, एक मस्कारा ब्रश में, क्लीन मस्कारा ब्रश में आपने इनको इसको डिप कर अपनी आई लैशेज़ के ऊपर लगाना है, कोम करना है अपनी आई लैशेज़ को, ये सिरम लगा के आईब्रोज को भी कोम करना है। और कोम करने के बाद जब आप इसको थोड़ी देर के लिए कोम कर लेते हैं, मतलब 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद आपने इसको जेंटली मसाज करना है अपने दोनों हाथों से, अपनी फिंगर से। उसके बाद आप मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, एक बार जब आप मस्कारा ब्रश से अपने आईब्रोज को कोम कर लेते हैं ये जेल लगाकर, मसाज करना है फिंगर टिप्स से बहुत जेंटल और बहुत सर्कुलर मोशन में आईब्रोज को, आईलैशेस को खींचना नहीं है, बहुत सॉफ्ट हैंड से, और आप इसका रिजल्ट 100% देखेंगे विद इन 15 मिनट्स। डू ट्राई इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।